नमस्ते एटोबियंस, मैं नवीन आज आपके सामने लेके आया हूँ इंडिया का पहला जीएस प्रोडक्ट। यस, यू आर राइट, एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि इससे आप कैसे अपने जीवन का एक पार्ट बना सकते हैं और इससे मिलने वाले महत्वपूर्ण गुण और महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सेशन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज स्पिरुलिना? स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक सिंगल सेल्ड ग्रीन और ब्लू कलर का एल्गे है, जिसे हम आम भाषा में शैवाल भी कहते हैं। यह बहुत ही पुराने समय यानी कि प्राचीन काल से ही हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है और इसे दुनिया भर में इससे मिलने वाले लाभकारक न्यूट्रिशंस की वजह से इसे कंज्यूम किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पिरुलिना को सुपर फूड क्यों कहा जाता है? स्पिरुलिना को सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें मिलने वाले न्यूट्रिशंस बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे हेल्थ को बहुत तरीके से लाभ पहुंचाते हैं। ये न्यूट्रिशंस कौन से हैं, चलिए जानते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डायट्री फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है और हमने इसे क्यों चूज किया? सो एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना का मैन्युफैक्चरिंग बैकफो के प्लांट में होता है। बैकफो फार्मास्यूटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एकेसी ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है। एकेसी ग्रुप 1976 से भारत में है, जिसे एमिटी ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन द्वारा दुनिया भर में जाना जाता है। साथ ही एकेसी ग्रुप के पास 5 और सब्सिडियरीज कंपनी हैं, जो कि अलग अलग वर्टिकल में बिजनेस करते हैं। एकेसी ग्रुप समूह का कुल कारोबार 3500 करोड़ रुपए एनुअली है। एटमी ने बैकफो को अपने साथ इसलिए चुना क्योंकि हमारे वैल्यू और बैकफो का विजन आपस में मेल खाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना का नेटिव सोर्स क्या है? पैरी वेलनेस के द्वारा एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेट यानी कि उसकी खेती की जाती है। पैरी वेलनेस पैरी न्यूट्रोसिटिकल्स की ही हेल्थ एंड वेलनेस की ब्रांच है और जो कि EID पैरी लिमिटेड की ही एक डिवीजन है। पैरी लिमिटेड मुरुगप्पा ग्रुप इंडिया का एक हिस्सा है और मुरुगप्पा ग्रुप का कुल कारोबार सालाना 41,713 करोड़ रुपए का है। पैरी लिमिटेड अपने अल्ट्रा मॉडल फैसिलिटीज के साथ स्पिरुलिना का क्लीन एयर उगाने के लिए एक ऑप्टिमल इन्वायरमेंट बनाता है, क्योंकि स्पिरुलिना को अच्छे तरह से उगाने के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट और बहुत सारी सनलाइट की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या हैं। हमारा ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से शाकाहारी है और इसके कैप्सूल से किसी भी तरीके की स्मेल भी नहीं आती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे क्लोरोफिल, फाइकोसेनिन, बीटा कैरोटीन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रो विटामिन ए। सो पहला पॉइंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों में और शैवालों में जो हरा रंग पाया जाता है, वो इसी की वजह से है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो बॉडी को क्लीन और डिटॉक्स करने में मदद करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फाइकोसेनिन। इससे क्या लाभ है, ये क्यों हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है? सो फाइकोसेनिन एक तरीके का प्लांट पिगमेंट होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारी बॉडी में इसे की वजह से ही इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होता है। सो तीसरा पॉइंट है बीटा कैरेटिन। बीटा कैरेटिन एक पिगमेंट होता है। बीटा कैरेटिन को विटामिन ए के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है।
सो नेक्स्ट, इसे दिन में कितनी बार लेना चाहिए? सो इसे हम दिन में दो बार ले सकते हैं। इसका एक कैप्सूल सुबह और इसका एक कैप्सूल शाम को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हमारे एटमी 100% प्योर स्पिरुलिना के फायदे क्या क्या हैं। वैसे तो हमने कई फायदे इसके पहले भी सुने हैं, इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहता हूँ। कुछ कुपोषित व्यक्तियों में प्रोटीन की कमी को भी ये पूरा करता है और साथ में न्यूट्रिशंस एंड प्रोटीन का हाई रिच इसमें होता है। यह हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है और साथ में ये अच्छे फाइबर होने की वजह से डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और इसमें पाए जाने वाले कुछ तत्वों की वजह से ये फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करता है, जो कि जनरली कई बार हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, और इसके साथ यह हमारे गट को भी क्लीन करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है और साथ में हमारे आईसाइट दृष्टि को भी इम्प्रूव करता है। चलिए जानते हैं हमारे स्पिरुलिना के न्यूट्रिशंस प्रोफाइल क्या हैं। हमारे स्पिरुलिना में 60 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें 18 प्रकार के अमीनो एसिड, 14 प्रकार के फैटी एसिड, 13 प्रकार के मिनरल्स, 12 प्रकार के विटामिन्स और 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। हमारे स्पिरुलिना को कैसे और कहां पर स्टोर करना चाहिए? सो हमें इसे कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो और साथ में वहां का टेम्परेचर भी मेंटेन हो। सो हमारे स्पिरुलिना का कौन कौन लाभ उठा सकता है? सो इसे बेसिकली 18 उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिरुलिना बनाया कैसे जाता है, या फिर कहें कि इसकी खेती कैसे की जाती है? सो स्पिरुलिना को बनाने के लिए बहुत ही शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। वह स्थान या वह प्लेस एक एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से काफी दूर होना चाहिए और साथ ही वहां पे संपूर्ण मात्रा में एक शुद्ध जल की उपलब्धि होनी चाहिए और वह एरिया कंटेमिनेशन एरिया से भी दूर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि यह किस प्रजाति में पाया जाता है। सो इसकी प्रजाति का नाम एस्ट्रोस्पाइरा प्लैनेटिसिस है। सो एटमी के स्पिरुलिना के एक कैप्सूल में कितना स्पिरुलिना होता है? सो इसके एक कैप्सूल में 400 मिलीग्राम स्पिरुलिना का पाउडर होता है। जैसा हम सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार उठता है कि इसे स्पेस में एस्ट्रोनॉट क्यों लेके जाते हैं, वहां पे इसे मिशन में क्यों खाया जाता है? सो स्पिरुलिना एक सिंगल सेल एल्गी है जो कि हाई न्यूट्रिशंस के साथ प्रोटीन देता है। यह बहुत ही कम समय में सेल्फ ग्रो करता है। सो अगर आप कहें तो यह कम खुराक में हमें प्रोटीन देने वाला, न्यूट्रिशंस देने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में हम बहुत ही लिमिटेड सोर्स के साथ जाते हैं, जितना कम से कम हो सके वेट और सोर्स हमें लेके जाना होता है। सो यह बहुत ही कम सोर्स और बहुत ही लिमिटेड के साथ हमें हाईली न्यूट्रिशंस और हाई प्रोटीन देने वाला प्रोडक्ट होता है। सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कि एटमी के 100% प्योर स्पिरुलिना की एक बॉटल में कितने सर्विंग्स होती हैं? सो मैं आपको बता दूं कि इसकी एक बॉटल में 30 दिन की सर्विंग होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन में हमें दो खुराक लेनी होती है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। सो उसके अकॉर्डिंग यह 30 दिन की सर्विंग आपको देता है। सो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रकार